हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा वीडियो लेट दे रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आपने कोई वीडियो नहीं दिया, कम से कम एक वीडियो तो दे दीजिए। तो मैं आप ही लोग के लिए थोड़ा सा गया था। मैंने सोचा था मैं जल्दी खाली हो जाऊँगा, बट थोड़ा लेट हो गया मैं। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में हम क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और हम क्लासिक्स की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर नंबर हम 10 देखेंगे। और चैप्टर नंबर का टाइटल है इसका, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो ये कैसे कैसे क्या हुआ हम वो देखेंगे कि करके। देखो एक्चुअली मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्या है कि जो टर्म यूज़ करता हूँ, जैसे कोई नालंदा का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं पता होता कि नालंदा कहाँ है, पाटलिपुत्र नाम लेता हूँ तो आप लोग को नहीं पता, तो मैं उसी के लिए गया था कि एटलीस्ट आपको कुछ दिखा सकूँ। तो अभी मैं अभी सस्पेंस खोलूँगा, अभी जब कावेरी नदी रिवर पर हम आएंगे तो अब मैं दिखाऊंगा कि किस लिए मैं गया था, और अब आपको क्यों ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें देखो दक्षिण भारत की। इसमें दक्षिण भारत के बारे में बात कही गई है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो देखो आपको पता होगा कि जब मानसूनी पवनें आती हैं, जो मानसूनी बरसात आती है, वो क्या दक्षिणी भाग से टकराती है भारत के। ठीक है, भारत के दक्षिण भाग से टकराती है और इधर क्या करती है, ढेर सारी वर्षा करती है। तो ये एरिया जो है ना अपना पश्चिमी भारत का एरिया, ठीक है, मतलब भारत का जो पश्चिमी तट है तो साउथ का, तो उसमें क्या है बहुत ही इनरिच इनरिच एरिया। इनरिच इनरिच का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे हमें क्या मिल जाते हैं, मसाले मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कीमती पत्थरें मिल जाती हैं। तो ये एरिया जो हुआ करता था, मतलब एंशियंट टाइम में हमें क्या है, ये बहुत ही इनरिच हुआ करता था। यहाँ पे काली मिर्च मसाले ये सारे व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हुआ करता था। इसमें ये चीज़ कही गई कि दक्षिण भारत जो है था बहुत ही इनरिच था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सोने सोना था, मसाले थे, काली मिर्च था, तथा क्या मिलता था, कीमती पत्थरें मिला करती थी। तो जो रोमन साम्राज्य के लोग थे ना, उनको क्या था कि मतलब उनको काली मिर्च बड़ी पसंद थे, वो काली मिर्च खाना बहुत पसंद करते थे। तो इसको काली मिर्च को क्या बोलते थे, काला सोना बोला करते थे। कहते थे ये क्या है, काला सोना है भारत का, इसको हम काला सोना वो बोला करते थे। रोमन साम्राज्य के लोग इसको काला सोना बोला करते थे। काला सोना किसको बोलते थे, काली मिर्च को। तो ये थी दक्षिण भारत के बारे में बात में। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि लोग व्यापारी कैसे करते थे। आप आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि हमारे पास शिप है। ठीक है, शिप हमने लिया, नेविगेशन लिया, जीपीएस लिया। उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले, 2300 साल पहले बात करें, 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे कहाँ होता था, ना जीपीएस था, ना नेविगेशन सिस्टम था, कुछ भी नहीं था ऐसा। कि वो कैसे ट्रेवल करते थे, देखो मैं बताता हूँ ट्रेवल कैसे करते थे, उसके उसके लिए हम वर्ल्ड मैप भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं दिखा रहा हूँ मैं क्यों गया था, मुझे लेट क्यों हो गया। ठीक है, दोस्तों मैं गया था आप लोग के लिए ये लाने। ठीक है, ये एक्चुअल में वर्ल्ड मैप मैं लाने गया था कि अब जब भी आपको समझाना हो तो मैं इस क्या करूँगा, इसके थ्रू समझाया करूँगा। ठीक है, तो मैंने हैंगिंग के लिए लगा रखा है, बट मुझे लग रहा है ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो शायद आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है, फिर भी मैं इसको हैंग करता हूँ, देखिएगा, अगर आपको दिखेगा तो बताइएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा लगा के, मैं एक मिनट रुकेगा, मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। थोड़ा सा ऊपर हो गया, फिर भी चलो मैं इसको थोड़ा नीचे करके भी बता देता हूँ, फिर इसमें कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं, जिससे कि क्या हो थोड़ा ये नीचे रहे। देखो अब मैं बात कर रहा था व्यापार की, तो ये लोग व्यापार कैसे करते थे। ठीक है, अब आप देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब वो क्या करते थे, देखो व्यापार करने का एक रास्ता क्या था, आप समुद्र में कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि आप यहाँ पे हो और ट्रेवल करते करते इधर चले आओ, आपको जाना इधर था आप चले गए इधर, क्योंकि कुछ टाइम पे ना दिशा सूचक था ना कुछ भी था, उन्हें कुछ जीपीएस सिस्टम ही नहीं होता था। आज के टाइम पे आपको यहाँ से वहाँ जाना होता है, आप जीपीएस ऑन करते हो, लोकेशन डालते हो और वहाँ तक पहुँच जाते हो। उस टाइम पर तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं करता था। तो वो लोग क्या करते थे, जब समुद्री यात्राएं करते थे, वो लोग समुद्री यात्रा ऐसे करते थे, समुद्र मतलब किनारे किनारे थोड़ा सा बीच में जाके दिखता था उनको, उनको तटे दिखा करते थे किनारे किनारे की, हाँ वो है पर्वत। तो वो लोग क्या करते थे, इसके किनारे 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 ऐसे ऐसे घूम के जाया करते थे। ठीक है, जब यहाँ पर रेड सी नहीं बनता था तो यूरोप के लोग, रोमन साम्राज्य के लोग ऐसे जाया करते थे, ऐसे घूम के जाया करते थे। जैसे इनको ये रास्ता मिल गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, ये इस रास्ते जाने लगे। उसके अलावा क्या रास्ता ये लोग यूज़ करते रहे होंगे, सोच सकते हो आप। हाँ, ये क्यों लैंड वाला एरिया यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ से ये निकलते थे ऐसे, और ऐसे पूरा घूम के ऐसे जाया करते थे। तो इनके पास दोनों रास्ते थे, एक तो ये तट के साथ जाया करते थे, दूसरा ये कि इसके बीच से धीरे धीरे निकलना चालू हो गया। और उसके बाद जब इनको थोड़े रास्ते पता चल गए तो क्या गया, हवाओं के साथ ये ऐसे आने लगे, हवा चलती थी तो यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच जाते थे। ना इतना घूम के जाने का मतलब, कुछ लोग ऐसे थे जिनको जानकारी होती गई या हवाओं के रुख के साथ क्या करते थे, अपनी नाव पलट के चलते थे, तो हवा तेज आई तो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाते थे, इसके बाद धीरे धीरे इधर से होके अपना यूरोप पहुंच जाया करते थे। क्योंकि आपको पता कि यूरोप में सबसे ज़्यादा सबसे पहले नवजागरण काल हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग सबसे ज़्यादा डेवलप हुए, सबसे ज़्यादा डिमांड से जो कि क्या हुई, यहीं पे हुई थी। ठीक है, तो ये सब हमने ये मैप में सीखा, और मैं इसीलिए देखो मैप आप लोग के लिए आया कि अब जब भी कोई टर्म आएगा, कोई नाम आएगा, तो मैं क्या करूँगा आप लोग को मैप दिखाऊंगा। मैप से क्या रहेगा कि आप लोग को सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है,
तो ये देखा हमने। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो मैं आपको ये भी मैप में दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैं पार कैसे करते हैं, कावेरी रिवर का नाम आएगा बीच में, तो कावेरी रिवर को हम क्या कहते हैं, कावेरी रिवर को दोस्तों हम कहते हैं दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो हम इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा, इसको हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। आप ये लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर दिखता नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो आपका वीडियो अगर आपका इंटरनेट स्लो होता है ना तो 144p में चला जाता है, तो आप वहाँ पर क्वालिटी सेटिंग में जाया करो, आप एटलीस्ट 360 कर लिया करो। अगर आपको लगता है कि मेरा डाटा ज़्यादा जा रहा है तो आप 360 में वीडियो देखा करो। देखो मैं इसलिए वीडियो 480 तक ही डालता हूँ कि आप मैक्सिमम इतने तक देख पाओ, लेकिन मुझे लगता है कि 360 और 480p में अगर इसमें आप वीडियो चलाते हो तो आपका वीडियो बहुत ही क्लियर दिखेगा और पूरा दिख भी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक बार बहुत बार चेक भी किया तो मुझे तो सही लगता है कि 360 में और 480 में से चलता है। और कुछ लोगों को जैसे अंधेरा लगता है ना, तो क्या करो आपका मोबाइल जो है ना ऑटो ब्राइटनेस पे होता है, तो आप ऑटो ब्राइटनेस को क्या करो हटा के उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लिया करो, क्यों जिससे क्या हो कि आपको जो विजिबिलिटी हो वो थोड़ी क्लियर हो, ठीक है। तो हम देखो बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में उन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसके बाद बात की हमने व्यापार कैसे करते थे। देखो तो व्यापार ऐसे क्या करते थे, या तो लैंड के थ्रू जाते थे या तो समुद्र किनारे किनारे थ्रू जाते थे, मैंने आपको मैप में वो बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कावेरी रिवर की, तो देखो कावेरी रिवर का उद्गम कहाँ होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में होता है। ये मैंने बहुत बार मैंने रिवर सिस्टम में भी बता रखा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो प्लीज़ जाइए वीडियो देखिए, ब्रह्मगिरी की कहानी से निकलती है कर्नाटक से, तो ये यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ पर जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, हेरांगी, हेमावती, सिस्मा, अरकावती, लक्ष्मणा तीर्था, भवानी, नोयल, अमरावती और सुवर्णसिनी, ठीक है। देखो ओवरऑल देखो तो आपको 10 नदियाँ पढ़नी है पूरे यूपीएससी के लिए, ठीक है। टोटल 10 नदियाँ पढ़नी है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसके लिए आपको टोटल 10 रिवर्स पढ़नी है। कौन कौन सी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। इधर आप ऊपर चले जाओगे इधर तो आपको मिलेगा क्या, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के आगे जाओगे तो गंगा, ठीक है, तिस्ता, और ये सारी नदियाँ आपको बढ़नी है, कुछ गिनी चुनी है। ओवरऑल देखेंगे तो 7 से 8 नदियाँ हैं, लेकिन ये कि 7 से 8 नदियों का आपको क्या है कहाँ से निकलती है। और ऊपर बात करें तो सिंधु, सिंधु की जो 5 नदियाँ वो भी आपको पढ़नी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो आपको ये भी सारी पढ़नी है, तो वो नदियाँ भी पढ़नी पड़ती, लगभग आपको टोटल मिलाकर 10 नदियाँ अच्छे से पढ़नी है। और उसका उद्गम स्थान आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ से उद्गम का मतलब होता है कहाँ से निकलती है और उसकी पानी कहाँ गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है, कौन से अरब सागर में गिरती है। देखो यूपीपीसी का भी एक क्वेश्चन पूछ रखा तापी रिवर के बारे में, कौन सी नदी ऐसी है जो अपना पानी बंगाल खाड़ी में नहीं गिराती है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर क्या है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी नदी किस साइड से निकलती है और किधर को गिरती है। तो इसके लिए भी मैं आप लोग के मैप ले आया था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आज वीडियो बनाने में, बहुत सारे लोग नाराज थे कि सर आपने आज वीडियो नहीं दिया। तो देखो ये मैप है इंडिया का, ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, मैं इसको तो हैंग कर सकता हूँ आराम से, इससे मुझे आशा है कि ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक अभी दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो बात करें कर्नाटक की, तो देखो कर्नाटक ये है, ठीक है। अब उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैप देख रहे हो आप, आपको लग रहा होगा सब कुछ ठीक है, बट इस मैप में एक त्रुटि है, एक इस मैप में एक कमी है। जो बच्चा इसमें से कमेंट के थ्रू बताएगा टॉप 10, मैं ये नहीं करूँ, सबसे पहले मैं टॉप 10 लड़कों को सिलेक्ट करूँगा उसमें से और आपके सामने ही लाइव उनके नाम लिखूँगा और आपके साइड उसमें मतलब मिला के आपके सामने उसमें स्टेट निकालूंगा जिस पर्सन का उसमें नाम आएगा, ठीक है। जिस पर्सन का नाम आएगा जिसने इसमें सही उत्तर आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें कमी क्या है या क्या गलत है, आपको ये बताना है इसमें गलत क्या है। आपको कुछ भी इसमें मैप में एक चीज़ गलत है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ गलत है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके आपको कमेंट करना है। आप कमेंट करेंगे मैं उसमें से टॉप 10 मतलब उसमें से रैंडमली 10 लोग के नाम चूज करूँगा, ठीक है। या टॉप 10 जो 10 पहले लोग कमेंट करेंगे उनके नाम चूज करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा इसमें से कोई एक चीट निकाल लूँगा मैं, उसके लिए उसको क्या करूँगा मैं न्यू ईयर पे आपको लोगों को गिफ्ट भेजूँगा, ठीक है। न्यू ईयर पे मैं आप लोग के लिए गिफ्ट भेजूँगा, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आप अपना कॉन्टैक्ट जिसका भी चीट निकलेगा वो मुझे क्या करेगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस व्हाट्सअप करेगा, ठीक है। मैं उसको गिफ्ट भेजूँगा, ठीक है, कुछ भी भेजूँगा आपको अभी नहीं वो नहीं बताऊँगा कि गिफ्ट को गिफ्ट होता है। तो आपको न्यू ईयर 2019 के लिए मैं आप लोग के गिफ्ट भेजूँगा जिसने इसमें कमी एक आइडेंटिफाई कर ली, एक कमी है बहुत ही बड़ी कमी है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कमेंट के थ्रू बताइए, आपके पास टाइम है 3 दिन का, 3 दिन बाद मैं इसको बताऊँगा कि इसमें क्या था। 3 दिन भी ज़्यादा मुझे लग रहा दे रहा हूँ बट ठीक है, 3 दिन का टाइम ले लीजिए आप तो को 3 दिन का टाइम देता हूँ, इस मैप में आइडेंटिफाई करोगे क्या कमी है इसमें, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कावेरी रिवर की, देखो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे है दोस्तों, कावेरी नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से होते जाते, देखो यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा बॉर्डर इसके साथ केरल के साथ टच हो जाता है, तो जब ये यहाँ से निकलती है तो देखो ऐसे रिवर चलते 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 यहाँ पे तमिलनाडु में इंटर करती है,
ठीक है, तमिलनाडु में इंटर करने के बाद फिर ऐसे आते 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 फिर यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पुदुचेरी है जिसको हम पांडिचेरी बोलते हैं। पांडिचेरी का आपको पता होना चाहिए कि तीन भाग है, कौन कौन सा, देखो एक माहे यहाँ पे है, ये पांडिचेरी का भाग है, एक पांडिचेरी पुदुचेरी, हाँ मेन जो पुदुचेरी बोलते हैं पांडिचेरी बोलते हैं, ये यहाँ पे है और इसकी एक एक प्लेस यहाँ पे है, देखो पांडिचेरी यहाँ पे भी लिखा हुआ आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि देखो पुदुचेरी के एक भाग यमन है, सॉरी ठीक है एक यमन है, तो आपको याद रखिएगा तीन भाग इसके हैं, माहे यमन कराईकल, ठीक है यहाँ पे कराईकल यहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है पूछ दिया जाता है, तो ये क्या होता है, ये नदी यहाँ से चलती है, कुछ कुछ बॉर्डर शेयर करती है केरल के साथ पहले, कर्नाटक के साथ, इसके बाद तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु में आके ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना के गिर जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में पूरा एरिया कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, और ये वाला क्या होता है, इधर क्या है अरब सागर है। तो आप ये अपनी धीरे धीरे मैपिंग भी सीखेंगे तो हिस्ट्री को आप कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम कहाँ आ गए जियोग्राफी में आ गए। ठीक है, तो आप ये भी कनेक्ट कर सकते हो, हिस्ट्री आपको जियोग्राफी सिखाया जाए, जियोग्राफी आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है, तो सारी चीज़ें क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अभी आपको लगता होगा कि मुझे हिस्ट्री अलग पढ़ना है, इकोनॉमिक्स अलग पढ़ना है, ज्योग्राफी अलग पढ़ना है, जब आप एक बार सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ज्योग्राफी की याद आएगी, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स की याद आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे देखो पुदुचेरी का एरिया कराईकल आ जाता है, तो कराईकल से इसका क्या होता है रिलेशन हो जाता है, ये नदियाँ चार राज्यों से इसका संबंध होता है, पहला केरल सॉरी कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पुदुचेरी, तीन राज्य, ठीक है तीन तीन स्टेट हो जाता है प्लस एक यूटी होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, तो मैंने मैप इसीलिए लाया कि एटलीस्ट मैं क्या कर सकूँ आपको मैप में अच्छे से इसको समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा आवाज़ हो रहा होगा रखने और उठाने में तो उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। ठीक है, मैं प्यार से रख रहा हूँ कि आवाज़ ना हो, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, ठीक है दक्षिणी, एक चीज़ और इसका याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद बात करते हैं कि जो साउथ के लोग थे ना उसमें, हाँ दक्षिणी की गंगा बोलते हैं इसको, प्लस मैं इसको पढ़ा क्यों रहा था यहाँ पे, इसका रीज़न ये था कि जो दक्षिण साइड में ना जो गंगा नदी कावेरी नदी थी, सॉरी कावेरी नदी थी, उसके क्या था, उसके किनारे जो लोग भी बसे हुए थे, मतलब इसके किनारे जितने भी राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है लगभग 2200 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। ठीक है, लगभग उस समय 200 BC के आसपास का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो इसके आसपास जितने भी राजा मतलब रहते थे वो लोग, ठीक है अब उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब अब सिंचाई के साधन यहाँ मौजूद थे, तो खेती होती थी तो यहाँ पे पैदावार होते थे, तो यहाँ के राजा बहुत ही धनवान और शक्तिशाली होते थे, जिसमें सबसे जो शक्तिशाली राजाओं की बात की जाती है या लोगों की बात की जाती है, वंश की बात की जाती है, देखो तो उनको बोला जाता था क्या, मुवेंदार, ठीक है उनको बोला जाता था मुवेंदार, जिनका इसका मतलब क्या होता था, तीन मुखिया। तीन मुखिया का मतलब क्या था, ये तीन शासकों के बारे में बात करता है, चोल चेर और पांड्य, इसको हम आगे चल के बात इसको क्या करेंगे, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे भी, चोल चेर पांड्य के बारे में आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक्स में इसमें दे रखा है मैं बस उतना ही आपको समझा रहा हूँ, जितना ही एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि जब हम फिर रियल में पढ़ेंगे ना, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले एंशिएंट हिस्ट्री से चालू करेंगे, तो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं निश्चित कर, ये लोग क्या करते थे, निश्चित कर के बजाय क्या लेते थे, कहते थे जी हमें उपहार दो, हमें कर नहीं चाहिए आपसे, हमें आप गिफ्ट दो उपहार दो, तो ये लोग क्या कहते अपनी सेनाएं भी लेके जाते थे, लोगों से कहते थे जी उपहार दो, कुछ दिख गया तो बोलते थे हमें ये दे दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हुई यहाँ पे ऐसे होने लगती थी। ठीक है, अब एक बात आगे चल के आती है रेशम की, रेशम जाते हैं, रेशम के कीड़े से हम क्या करते हैं, कच्चे रेशे निकाल के उसके हम कताई करके क्या बोलते कपड़े बनाते थे, जिसको हम सिल्क बोलते हैं, रेशम के कपड़े को क्या बोलते थे, सिल्क। जो ये टेक्निक लाई गई दोस्तों ना, रेशम की जो कीट की टेक्निक लाई गई वो चीन के द्वारा लाई गई। अब चीन ने खोजा कब, मैं बताता हूँ, चीन ने खोजा आज से 7000 साल पहले की बात करूँ तो 2018 घटाओगे इसमें से, तो लगभग ये 5000 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले इन्होंने खोज लिया था क्या, सिल्क से, मतलब रेशम के कीड़े से क्या बनाना, कपड़े बनाना। लेकिन किसी देश को उन्होंने बताया नहीं, इतने हरामी ये लोग थे, सॉरी फॉर माय वर्ड, ठीक है, बट इतने दुष्ट लोग थे कि उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने बोला कि हम अपने पास रखेंगे या हम इसको छुपा के रखेंगे, किसी को टेक्निक नहीं बताएंगे और हम सबसे महंगा बेचेंगे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया। तो इन्होंने क्या किया, चीन में बनाते थे, चीन में बनाने के बाद क्या करते थे, ये धीरे धीरे क्या करते थे, वो ले आके यूरोपियन कंट्री में बेचा करते थे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा महंगे बेचते थे। रीज़न क्या था कि एक तो ले जाने के लिए इनको क्या था, रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, रेगिस्तान से पहाड़ों से। ठीक है, अब ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ होगा तो माफ़ करिएगा दोस्त। देखिए अब बात करें अगर हम चाइना की, देखो
अगर हम बात करें चाइना के, देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये रहा चाइना। तो चाइना में लोग नॉर्मली इधर रहा करते थे, तब यह करते थे, देखो ये वाला जो एक एक चीज़ आप ध्यान देना, जो आपको ज़्यादा रेड दिखता है ना, ये रेड वाले ना प्लेटू है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और जो हल्का ये येलो येलो टाइप में दिखता है, तो ये समझ लो हल्का मतलब हल्का प्लेटू, मतलब प्लेटू टाइप में है, बाकी जो ये डार्क डार्क दिखता है वो पहाड़ है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, जो बहुत डार्क दिखता है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखता है वहाँ पर हरे भरे मैदान है, तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तब देखो यहाँ से ये लोग चलना चालू करते थे, ऐसे होते 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 ये यूरोप तक आते थे, रोमन साम्राज्य तक आते थे। रोमन साम्राज्य तो धनी लोग होते थे, इनको कपड़ा कुछ नए तरीके का मिलता था, तो एक फैशन हो गया वहाँ पे कि हम क्या करेंगे, ये कपड़ा हम पहनेंगे या जितना भी महंगा हो। तो अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से लोग ऐसे ऐसे घूम के जाते थे, तिब्बत से होकर जाते थे, ये रूट फॉलो करना चालू कर दिया, यहाँ से लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया, ठीक है। अब इसी रोड को आगे चल के क्या कहने लगे लोग, सिल्क रोड। इसी को क्या कहने जाने लगे आगे चल के, इसको सिल्क रोड कहा जाने लगा। जो आप आज चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पढ़ते हो ना, वो बोर की बात करते हैं हम, वो बोर की बात करते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यही है, सिल्क रोड, जो पुराने जमाने में ये लोग व्यापार करते थे। आज चाइना यही कहता है कि जो पाकिस्तान से ग्वादर ग्वादर पोत बनाया, वहाँ से वो क्या करता है, पाकिस्तान चाइना को, जो अपना जम्मू कश्मीर है वो क्या करता है, वहाँ से पाकिस्तान को कश्मीर से ये रास्ता लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये रास्ते लेके जाते हैं। वो कहते हैं क्या कि यहाँ ये भी क्या है, वन बेल्ट वन रोड का पार्ट है। तो चाइना के इनिशिएटिव में चाइना क्या करना चाहता है, पूरा एशिया पे कब्जा करने की कोशिश करता है, मतलब कब्जा इन द सेंस कि पूरा रूट के थ्रू क्या करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, ठीक है। कि कहता है कि हम समुद्र से तो व्यापार तो करेंगे करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्लेन से भी व्यापार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये ले जाते थे, जब यहाँ से देखो ले जाने लगे तो हुआ क्या, जिस इलाके में लोग रहते थे तो उन्होंने क्या क्या टैक्स लगाना चालू कर दिया, टैक्स इन द सेंस तुम हमारे रास्ते से नहीं जाओगे, अगर तुम्हें इस रास्ते से जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमें पैसे देने का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक उसमें शासक आते हैं कुषाण, ठीक है। कुषाण क्या करते हैं, कहते हैं कि हम आपको डाकू, देखो अब सिल्क महंगी होती थी तो लोग क्या करते, डाकू भी होने लगे, लोग हड़पने की कोशिश किया करने लगे। उसमें क्या हुआ कि फिर यहाँ पे कुषाण एक वंश आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, सिल्क रूट की रक्षा करते हैं, मतलब चलो 50 किलोमीटर हम तुम्हारे साथ चलेंगे अपने सैनिक लेके, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वहाँ तक बॉर्डर पर छोड़ आएंगे तुम्हें, जहाँ तक दिक्कत होती है या जहाँ पे जाते चोरी हुआ, मतलब जिस रास्ते में चोरी हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक अपने इन्होंने क्या किया, एक अपने लिए अच्छा व्यापार मतलब ढूंढ लिया, क्या कि हम इनको मतलब सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे रास्ते के लिए। तो ये सिल्क रूट से सबसे ज़्यादा रक्षक कहा जाने लगे, मतलब सिल्क रूट पर क्या करने लगे, सुरक्षा प्रोवाइड कराने लगे। और उसमें जो सबसे धासु, मतलब धासु बोले तो सबसे बढ़िया सम्राट जो आया उनका, कनिष्क थे, ठीक है। कनिष्क मतलब इसमें सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इनको जाना जाता है, जो कुषाण वंश के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बौद्धों में महायान की शुरुआत ज़्यादा कर दी, ठीक है। महायान को इन्होंने पीक पे लगे, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ, इन्हीं के टाइम पे मूर्ति का मतलब एक मूर्ति का कॉन्सेप्ट है, इससे पहले मूर्ति का कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाना चालू कर दिया, मूर्ति। उसी टाइम पे भक्ति काल आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, और उसी टाइम पे क्या हुआ, हमारे हिंदुओं में क्या हुआ, हिंदुओं में भी मूर्ति बनाने की कला स्टार्ट हो गई। किसी भगवान की मूर्ति बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको क्या कह दिया गया कि आप मूर्ति किसी भगवान की बनाओ, आपको जिसमें भी श्रद्धा लगती है उस किसी का बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ण व्यवस्था नहीं आई, जब भगवान की बात आई इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं आई। वर्ण व्यवस्था इन द सेंस, अगर आप कोई कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ठीक है, आप मंदिर में जा सकते हो और किसी भगवान को बना सकते हो। जैसे आप, मैं शूद्र हूँ, मैं चाहता हूँ किसी एक भगवान को नाम देना, मैं भगवान को बना लिया, मैंने उसको नाम दे दिया, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जो मर्जी लगा मुझे नाम, मैंने उसको दे दिया, ठीक है, शिव भगवान, पार्वती माता देवी, ठीक है, दुर्गा देवी, कुछ भी नाम मैंने दे के अपने मतलब मान लिया और उनको भगवान का नाम दे दिया। तो किसी भी किसी को रोका नहीं गया कि आप वैसे होता आप भगवान को नहीं पूजा कर सकते, शूद्र तो पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क ने क्या किया, महायान को बहुत ही हाई लेवल पे ले गए, ठीक है, मतलब हाई लेवल इन द सेंस इसको बढ़ावा बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया, ये कनिष्क ने, ठीक है, कुषाण वंश कहते हैं ये। इसके बाद करते हैं, इन्होंने एक तो ये ले गए, महायान का कॉन्सेप्ट लाया, दूसरा इन्होंने क्या लिया, बोधिसत्व को लाया। बोधिसत्व मतलब, अगर बोधिसत्व का कभी एक टर्म पूछ दिया जाए कि बोधिसत्व क्या है, तो बोधिसत्व का सिंपल सा मतलब इनलाइटमेंट, मतलब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप एकांत में जाकर रहिए। लेकिन इनके टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आप ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा नहीं कि आप एकांत में जाकर रहिए, उन्होंने कहा जो आपने ज्ञान प्राप्त किया लोगों में फैलाइए, लोगों को बांटिए कि ये ज्ञान है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये ऐसे होती हैं। तो सारा इन्होंने क्या किया, फैलाना चालू किया। फिर धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, धीरे धीरे ये म्यांमार में पहुँचे, ठीक है, मलेशिया पहुँचे, ताइवान पहुँचे, चाइना पहुँचे, जापान तक। फिर इन्होंने क्या किया, पूरा विस्तार किया बौद्ध धर्म का। आज देखोगे तो पूरा क्या, साउथ ईस्ट, पूरा साउथ ईस्ट क्या, बौद्धिस्ट हो गए, पूरे बौद्ध को मानने वाले। जहाँ आप साउथ ईस्ट में जाए, जापान की देखो, जापान पूरे बौद्धिस्ट हो गए, ठीक है, ज़्यादातर लोग बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलेंगे। तो ये इनकी देर थी, इनकी ही देन थी, इन्होंने क्या किया बौद्ध धर्म को फैलाया, ठीक है। और इसके बाद क्या कि दो तीन चीनी यात्री आए, जिसमें से एक दो इंपॉर्टेंट है, मैं उनके नाम आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें थे एक फासियन, एक नाम आएगा फासियन, ठीक है,
और एक आएंगे स्वेन स्वेन सांग, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। देखो जो फासियन थे वो इंडिया आए, ठीक है, इंडिया आने के बाद ये तीर्थयात्री थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया से जाने लगे, तो बंगाल की खाड़ी से इन्होंने, बंगाल से क्या किया, बंगाल से अपना शिप पे बैठे, तो ये जावा, जावा द्वीप है, तो वहाँ जाते जाते, ठीक है, क्या हुआ इनको 90 दिन लग गए वहाँ पे, और बीच में क्या हुआ था, तूफान आ गया, 90 दिन लगे वहाँ पे उनको जावा तक जाने, मतलब जाने जाने में, इंडोनेशिया के द्वीप है, ठीक है, जावा, तो वहाँ पे जाते जाते उनको क्या लगा, 90 दिन लग गए, उस बीच में क्या हुआ, तूफान आ गया, तो क्या हुआ जो व्यापारी वगैरह थे उन्होंने अपना सामान समुद्र में गिरा दिया कि हमारा जहाज बहुत ही भारी है और हवा तेज आ रही है, हमारा शिप पलट जाएगा, तो इन्होंने भी क्या किया था, अपना सारा सामान फेंक दिया और जो बचा के रखा वो पांडुलिपि बचा के रखी। पांडुलिपि मैंने बताया था, पांडुलिपि का मतलब ये होता है कि हाथ से लिखी गई चीज़ों को हम पांडुलिपि बोलते हैं, तो इन्होंने अपने क्या की, किताबें रख ली, बाकी सारे सामान क्या किए इन्होंने, फेंक दिए, इन्होंने अपनी किताबें रखी और बाकी सामान नदी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये ले गए, फिर उन्होंने पूरा वर्णन किया जब चाइना पहुँचते हैं ये, फिर उसके बाद वहाँ जावा से फिर वहाँ से दूसरा शिप पकड़ते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं चाइना पहुँचते हैं, तो पूरी अपनी किताब में पूरे भारत के बारे में जिक्र करते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, ऐसे काम किया करते थे, ये सारी इसमें वर्णन करते हैं कि धर्म को मानते, किस भगवान की मूर्ति बनाते थे, व्यापार कैसे करते थे, तो सारा वर्णन वो क्या करते हैं उस अपनी किताब में करते हैं। उसके बाद बोलते हैं तो स्वेन सांग की बात करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा कि क्या है इसका, ठीक है, जो मुझे सही लगा मैंने पढ़ दिया उसको। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोस्तों इन्होंने नालंदा की बात की, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की, और नालंदा विश्वविद्यालय के इन्होंने बारे में बहुत कुछ लिखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही अद्भुत जगह है, अद्भुत जगह मतलब कि यहाँ के शिक्षक बहुत ही मतलब एक विशिष्ट प्रकार के हैं, और इनकी मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये अपने आप में क्या करते हैं, अपने से कोई भी मतलब ईमानदारी बरतते हैं, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करते, गलत चीज़ें इन द सेंस जो शिक्षा देते हैं वो पूरी तरह ये तटस्थ होकर शिक्षा दिया करते थे, और ये भी कहा जाता था कि देखो नियम को रूल्स को एक तो शिक्षक भी फॉलो करते थे प्लस छात्र, उन्होंने कहा कि शिक्षक प्लस छात्र बहुत ही कड़ाई से नियमों का पालन किया करते थे। उन्होंने एक चीज़ कही और जो उसमें आपको सुन के लगेगा कि यार अगर आज के टाइम पे होगा तो शायद बहुत सारे लोग क्या करते एजुकेशन नहीं ले पाते। उन्होंने कहा कि जब आप नालंदा के गेट पर पहुँचते थे, ठीक है, जब आप नालंदा के गेट पर पहुँचते थे तो वहाँ दरबारी होता था, दरबारी इन सेंस जो गेटमैन होता था वो आपसे कम से कम कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें से क्या है आपको जवाब देना है, अगर उसको सेटिस्फाई करा दिए, सेटिस्फाई इन द सेंस कि उसके आपने जब जो क्वेश्चन पूछे उसके सही उत्तर दिए, तब वो आपको अंदर जाने देगा। मतलब आपको अंदर जाने के लिए पहले गेटमैन से जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, उसका तर्कपूर्ण आंसर देना पड़ेगा, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी अंदर, ठीक है, तब आगे जाके अंदर इंटर। अब अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जब अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो अरस्तु के बारे में जब इथिक्स पेपर 4 में, तो वहाँ पे क्या था, अरस्तु ने भी क्या किया था, अरस्तु ने जो अपना विद्यालय बनाया था उसमें भी क्या था, गेट पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स के, आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी, आपको पहले से कुछ आता है कि नहीं आता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता था, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, जब आप कहा इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि अगर 10 लोग आते थे, ठीक है, 10 लोगों में से बस 2 को एंट्री अंदर मिल पाती थी, बाकी 8 बाहर, आपको कुछ नहीं आता, आप अंदर नहीं आ सकते, ये हाल था उस टाइम पे। वो इतने मतलब जो दरबारी होते थे इतने पढ़े लिखे हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया था ये इसमें अपने किताब में मेंशन किया था, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब बात करते गुफाओं की। देखो गुफाओं के बारे में मैंने बता दिया था कि गुफाओं का कॉन्सेप्ट कब आया, मतलब क्यों बना, और ठीक है बिहार जिसको मैंने एक नाम दिया था, तो गुफाओं का कॉन्सेप्ट इसी टाइम पे आता है कि लोग क्या करते हैं, जब इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो इन्होंने क्या किया बौद्ध और जैनों के लिए। अब देखो टाइम लाइन आप समझो, सबसे पहले जैन जैन धर्म आया 600 BC के आसपास, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 BC के आसपास, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC के आसपास, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के देखो सबसे पहले जैन आए, जैन के बाद बौद्ध धर्म आ गया इस टाइम पे, मतलब 400 BC के आसपास बौद्ध आ गया। अब देखो ये जो बातें चल रही है अभी आज के टाइम पे, ये 200 BC के आसपास की बातें चल रही है, 200 BC से लेके 100 BC के आसपास तक की बातें ये चल रही है। इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने भी बिहार गुफाएं ये क्या किया, राजा जितने भी राजा वगैरह होते थे उनसे कहते थे कि आप जमीन दान दीजिए, इन जो भी गुफाएं उनको काट के क्या करिए यहाँ पे रहने योग्य बनाइए, कि जो लोग आते हैं चाहे शिक्षा लेने आते हो, चाहे शरणार्थी हो, चाहे ये लोग गुरुजन हो, ये सारे लोग क्या उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। जो लोग आसपास के लोग रहते थे वो खाने पीने की क्या करते थे व्यवस्थाएं करते थे, ठीक है। एक टाइम आपको यहाँ पे आगे चल के मिलेगा भगवद्गीता, लगभग सब जो हिंदू लोग होंगे सबने सुना होगा ये नाम। देखो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन जो बनता है इसमें कितने अध्याय ये पूछा जाता है, SSC में पूछ लिया जाता है, PCS में पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखिए भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं, 18 है, ठीक है। श्लोक कहा जाता है कहीं पे आपको देखो 700 मिल जाएगा, कहीं पे 720 मिलेगा, तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, लेकिन नॉर्मली जो मैंने क्वेश्चन देखे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भगवद्गीता में कितने चैप्टर मतलब कितने अध्याय हैं,
तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि 18 अध्याय हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग मैंने कोशिश की दोस्तों कि मैं इसमें जितनी भी चीज़ें हों सारा मैं आपसे कवर कर लूँ, ठीक है। और मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा नए तरीके से पढ़ाऊँ, नए तरीके से देखो अपने लिए मैप ला रहा हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को भी हम कनेक्ट करेंगे मैप के थ्रू, कि जिससे क्या हो हम लॉन्ग टर्म तक अच्छी तरीके से उसको याद रख पाएँ और आगे चल के हम कुछ अच्छा एग्जाम में करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से आपको जितना अच्छा कंटेंट दे सकूँ अच्छा दे सकूँ, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं मैप लेने गया था दोस्त इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मतलब 3 बजे के आसपास आपको वीडियो डेली एक दे दिया करूँ, ठीक है। देखो अभी प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग से मैंने बातें की हैं, तो अभी कुछ दिन में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लोग कुछ लोग बच्चे कह रहे थे सर पीसीएस की तैयारी करवाइए, पीसीएस मेंस की तैयारी कराइए, मैंने बात की है। देखो जब अभी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब लोग स्टार्ट नहीं करेंगे मैं वादा कर दूँगा आपसे और पूरा ना हो तो कल को आप कहोगे सर आपने कहा और आपने किया नहीं, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सब किसी को जोड़ लूँ, तब मैं आपसे कहूँगा देखो मैंने जोड़ इन लोगों को भी जोड़ लिया जिसको तैयारी करनी इस चीज़ के लिए, वो भी अपना तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ एक लाइक तो बनता है, उसके साथ साथ शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।